hurts when I'm falling for you. Hi. It's me, Ubaidullah Khan. I'm going to do exercise 9.1, question number 2. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इधर पे बोला है कि पूरा गच्ची गिर नहीं गया, उसका सिर्फ ऊपर वाला जो टूट गया है हवा तूफान का वजह से, और वो गिरने का बाद ये जैसे कि गच्ची था, इसका ऊपर वाला और भी हाइट था, तो वो जब गिर गया तो ज़मीन पे टच हुआ है। और इधर दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द ट्री टू द फुट टू द ट्री ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर, और ट्री जो ये ऊपर का पार्ट जो गिरा है वो 30 डिग्री है। गिवन BC equal to 8 meter and angle ABC equal to 30 degree. To find और हम लोग को यहाँ पे बोला है find the height of the tree, मतलब हम लोग को AC निकालना है। तो हम लोग को टोटल लाइट निकालना पड़ेगा। टोटल लाइट तो ये होगा क्योंकि गच्ची ऐसे था तो टूट गया ना, तो ये दोनों मिलके हाइट होगा गच्ची का। तो लास्ट में हम लोग को जैसे कि ये पूरा जो गच्ची था वो जो तूफान का वजह ऊपर वाला टूट गया, तो ए बी बन गया, और ये ग्राउंड पे टच हुआ है नीचे पे, और वो फॉर्म किया है 30 डिग्री। तो हम लोग को अभी अगर पूरा गच्ची का हाइट चाहिए तो ये दोनों पेन को जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि ये पूरा गच्ची था तो इसका ऊपर वाला टूट गया, सच का भी टूट गया, मतलब गिरा दिया स्किल को, तो ये टच तो गच्ची जो ग्राउंड तक टच हुआ है और फॉर्म किया 30 डिग्री। तो अगर हम लोगों को पूरा गच्ची का हाइट निकालना है तो ये पार्ट को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए AC प्लस AB करेगा लास्ट पे। टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री, अभी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला P बाई बी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम है P बाई बी आता है 10 30 इक्वल टू P बाई बी, 10 30 का 1/√3, 10 30 का वैल्यू, और पी इसके लिए पी होगा AC और बेस होगा BC। तो हम लोग को मालूम है कि AC तो नहीं दिया हुआ है एंड BC 8, तो इसको इस तरफ लाएगा तो 8/√3 इक्वल टू AC। तो अभी हम लोग को मिल गया AC। तो हम लोग को मिल गया कि AC इक्वल टू 8/√3।
तो अभी फिर से कर इसको निकालना है हम लोग को, अभी ये मिल गया, तो हमको अभी चाहिए पी बाई एच। तो हम लोग को मालूम है कि साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच, साइन 30 इक्वल टू 1/2, पी कितना दिया हुआ है 8/√3, और एच मालूम नहीं हम लोग को ए बी। अभी ए बी को इधर लगा तो ए बी बाई टू 8/√3, तो ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू 8/√3 इंटू टू, क्योंकि हम लोग को मानता है डिवाइड से डिवाइड से इक्वल का उस तरफ जान से इंटू होता है, तो 16/√3 ए बी इक्वल टू 16/√3। अभी नेक्स्ट कर टोटल हाइट, टोटल हाइट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम लोग को कितना ए बी मालूम है कि 16, ये हम लोग ए सी बाय ए बी भी लिख लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू 8/√3 प्लस ए बी दिया हुआ है 16/√3। √3 एलसीएम लेगा तो √3, 8+16 इक्वल टू 24√3। ये ला खत्म हो गया। ये क्वेश्चन इधर कंटिन्यू हो रहा है। तो हम लोग तो रेशनल रूट को हटाना है नीचे से, तो इसको फैक्टराइज करेगा तो 8 3 = 24/√3, तो 8 × √3 को अगर दो टुकड़ा कर दिया तो रूट, अगर 3 को दो टुकड़ा कर दिया तो रूट 2 × √3 आएगा बाय रूट थ्री, 1√3 कैंसिल, तो 8/√3 टोटल हाइट, हाइट इक्वल टू 8/√3 मीटर। सर थैंक यू।